अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या है? हाँ, कद्दू? ये है क्या? मुझे ये तस्वीर गेस्ट रूम में मिली तरुफई। अरे लेकिन ये जमाई राजा और संतुड़ी साथ में। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा तरुफई, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। शशांक से कुछ भी बात करूँ, उससे पहले पूरी सच्चाई का पता करना चाहती हूँ। सच्चाई? कैसी सच्चाई? यही, संतु और शशांक एक दूसरे को संतु और डैड की शादी के पहले से जानते थे। ये संतु के लगन के पहले की तस्वीर है? हाँ तरुफई, लेकिन ना संतु ने मुझे कभी बताया ना शशांक ने। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं कि वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। होगा कोई कारण, मुझे इस बात की परेशानी है कि उन दोनों ने मुझसे ये बात छिपाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों के बीच कुछ? कद्दू, ये तो क्या कह रही है? हाँ तरुफई, शशांक ने मुझसे कहा था कि शादी से पहले वो किसी लड़की को पसंद करता था। कहीं वो लड़की संतु तो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तरुफई, मैं क्या करूं? अगर ये बात है तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है, मैं ये बात मानू कि ना मानू। तस्वीर जो बात बोल रही है उसे तो संतुड़ी या शशांक को बोलना चाहिए था। ये बात उन्होंने छिपाई क्यों? अरे हाँ पिनाकिन, समझी क्यों, पैसा चाहिए तो ले लेना खजांजी से, पर बंदोबस्त एवन होना चाहिए, समझी क्यों ने? चल जय श्री कृष्ण। पीना की ने पढ़ ले चाय पी। चाय अच्छी है ना? हाँ ठीक चाय। ठीक चाय? हाँ अत्यार सुधी सारी लगती थी, और अब एक काम कर, उसे ले आ जिसकी चाय तुझे बहुत पसंद है। और अभी जन्माष्टमी आएगी, हम संतु को घर ले आ। तू बोले छे तने खबर छे? ने लाओ भी तू कैसे? खबर छे ना क्या हालत है वहां? बेन भाग गई, नाना का स्वास्थ्य खराब है, लाओ तो केवी रीते? तेरी सोच अच्छी है बेटा, पर एक साल भर का त्योहार है और घर की बहू घर में नहीं, अच्छा नहीं लगता बेटा। और गांव कौन सा दूर है, आती जाती रहेगी और नाना जी को मिलती रहेगी और तुझे तेरी चाय भी मिलती रहेगी, बहुत याद करता है ना उसे? क्यों बोले थे तू? काई पण बोले, जे मन में आवे बोले। ने सारू छे, ना मायका में बैठी छे ना सारू छे, गर्मी होती है ने तो आखो दिवस बड़ 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 मारू माथू दुखवा मांडे छे, ने पाँव में पायल पहन के अहियाँ थी त्यां ने त्यां थी अहियाँ, अहियाँ थी त्यां, त्यां थी अहियाँ, जैसे रोज कोई घर में प्रसंग हो। डफोड़ छे डफोड़, बिंदी भी ठीक से नहीं लगानी आती, बोल रोज मेरे को ठीक करना पड़ता है। आम केम जोवे छे? हवे देखती रहेगी कि कुछ बोलेगी आगे, बोलने? मैंने तो सिर्फ उसका नाम लिया, कब से तू ही उसके बारे में बोलता जा रहा है और कहता याद नहीं करता। मैं बोला? मैं कब बोला उसके बारे में? तू ही बोली ना हवे ले क्या? कभी तो सच मान लिया करो धर्मराज। अबे रेवा दे रेवा दे, देख रही है ना सुभद्रा, दो ही थी गई से, तेरी माँ बुढ़ी हो गई ना, सठिया गई है वे। थे गई बधी तैयारी, जरा ध्यान रखना कोई कमी ना रह जावे, अने सबको बोल देना कि समय अनुसार आ जावे। ये ठीक से साफ करना सब। हाँ
और परसों से सजावट के लिए आ जाना। हाँ लाला जी। हाँ बेटा जी, हम भी इस उत्सव में भाग लेंगे ना। हाँ हाँ बेटा, कृष्ण भगवान तो सारे संसार के स्वामी है और फिर पूरा जग मनाता है उनका जन्म दिवस। ये देख नानी, नानी मुझे भी इस पाले में खेलना है। इसके साथ खेलने के लिए तेरे दिन नहीं है अभी। हाँ अरे देख ना कितनी धूल लगी हुई है, तेरा बाजू पर हट जा बेटा, मुझे साफ करने दे। अने कारखाना एकदम हीरे की तरह चमकना चाहिए। अरे जमाई राज आओ आओ। जीतोरे जीतोरे, केम छे? मजा में। तने तो विशेष कर बोलावे तो। कई खास बात? अरे बात खास नहीं, प्रसंग खास छे। जन्माष्टमी दिख रहा। अरे लगन के बाद तेरी पहली जन्माष्टमी है ना, तेरा धामधूम से मनाएंगे हो ना। तरुण भाई अब क्या करना चाहते हो? चल देखती जा तू। अबे तीन चार दिवस इधर ही रुकना पड़ेगा। पर माँ पापा ने। अरे आटलो मोटो थई गयो छे, लगन थई गया ने, माँ पापा भेज दिया निमंत्रण मैंने, वो भी आ जाएंगे। चल चा पीड़ो तने। चल सोचा भी नहीं था मैंने कि ये संतुड़ी इतनी बच्चलन निकलेगी। शशांक जमाई लगता है उसका, और वो इस चरित्रहीन की सच्चाई सबके सामने आनी ही चाहिए। अच्छा किया मैंने जो छुट्टा छेड़ा के कागज पे इसका अंगूठा लगवा लिया। अरे ये लड़की इस घर के और मेरे भाई के लायक ही नहीं है। तारुफ हुई? जय श्री कृष्ण। ननका? हाँ बोल मोटी। ननका तुझसे एक बात करनी है, कमरे में आना। हाँ जरा दो मिनट आप मने, एक काम खत्म कर लूँ फिर बात करते ना। नहीं ननका, अगर अभी जल्दी नहीं की तो बहुत देरी हो जाएगी। चल कैसे हो? बस एकदम मजा। हाँ मजा मचे ना। मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप समझ जाएगा। संतुड़ी जमाई राजा को तेरे लगन से पहले से जानती थी और यह बात दोनों ने हमसे छिपा के रखी। और अब तू क्या चाहता है, मैं हाथ पे हाथ धरी बैठी रहूं? हाँ कुछ ना बोलू, ये सब देखने के बाद भी आंखें बंद कर लू मैं? अरे उबी रहने मोटी बहन, मैं समझता हूँ तेरे मन की उलझन, पर जब तक इस बात की जड़ तक नहीं पहुंच जावे तब तक तर्क करना ठीक नहीं रहेगा। कैसी बात कर रहा है तू नानका? यहाँ मायावंशी वंश की जड़ें खोखली हो रही है और तू कह रहा है मैं कुछ देखूं? देख देख अपनी बेटी को देख, जब से ये फोटो देखा है रोए जा रही है बच्ची। क्या जरूरत क्या थी उस संतुड़ी को इस बात को छुपाने की? और उसने छिपाई ठीक है, जमाई राजा ने भी छिपाई। एक मिनट एक मिनट, ये देख ये देख। पूछे तेरा और संतुड़ी के छुट्टा छेड़ा का कागज है। महारानी ने तुझे छुट्टा छेड़ा दिया है।
तो मुझे लगा था कि उसने इस कागज पे अंगूठा इसलिए लगाया क्योंकि वो कुर्बानी देके हितेन और खेमी के लगन के बीच में आना नहीं चाहती, लेकिन नहीं, अब लग रहा है बात कुछ और है। उसने इस कागज पे अंगूठा लगाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके और जमाई राजा के बीच में जो भी है ना, उस बात का तुम्हें पता चले। बंदी राघव, इसमें उस छोकरी और मुझसे अधिक मेरी दिकरी और जमाई राज के संबंध का प्रश्न है। जाचा राजा के शशांक को बुला के ला। ये तू चुप रहे, हर सिक्के के दो बाजू होते, चित अने पट, अने उसकी बात मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ, समझ तो? अब जाने, वो भी सुकाम से जा, ले लेना। तने केवी रीते खबर पड़ी आ बात? ये फोटो कहाँ से मिला तुझे? मैं संतू के घर गई थी, तब वो घर पर नहीं थी, मैं मोंगी से मिली। ये लो, जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी ना, हम तो उनको तब से जानते हैं, और मैं भी जानती हूँ, संतू बहना भी जानती है। वो शिवा महापंचमी के मेले में हम गए थे, हम उनसे वहाँ पर मिले थे, और फिर जब बूढ़ी पैदा हुई थी ना, तब भी हम उससे मिले थे, वो जश्न में आए थे। क्या बात, आपने बुलाया मुझे? शुचिया, ये तस्वीर एक सच है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आप सब लोगों के मन में जो चल रहा है वो गलत है। गोड़ गोड़ बात मत कर, क्या खरा है और क्या खोटा, साफ साफ बता। चल। मैं संतू को पहले से जानता था, धर्मपुर के मेले में अपने प्रोजेक्ट के लिए आया था। हाँ, पछी? और संतू से उसी मेले में मिला था जहाँ पर उसके किए की सजा आपने उसके नाना जी को दी थी। अच्छी, सच ये है कि ये वही लड़की है जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था जब मैं सगाई के लिए आया था खोड़ियार माँ के कुएं के पास। मैंने जिस लड़की के बारे में आपसे बात की थी वो संतू ही है। मैं एक लड़की से प्यार करता था, हालांकि हम दोनों का रिश्ता कभी जुड़ नहीं पाया। रिश्ता जुड़ना तो दूर, मैं उसे कभी दिल की बात भी नहीं कह पाया कि मैं उसे प्यार करता। समझी क्यों? पछी, मैंने अपने अतीत के बारे में आपको सब कुछ बता दिया था क्योंकि आपकी बेटी के साथ मेरा भविष्य का रिश्ता जुड़ने वाला था, और बेटी के पिता को सब कुछ पता होना चाहिए, उन्हें अधिकार है सच जानने का। लेकिन मैंने आपको उस लड़की का नाम नहीं बताया था। क्योंकि मुझे पता था उसकी शादी हो गई और मैं नहीं चाहता था कि एक शादीशुदा लड़की का नाम बदनाम हो। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उसकी शादी आपसे हुई। हाँ, यह सच है कि मेरे मन में संतू के लिए भावनाएं थी, लेकिन वो एक तरफा थी, उसके मन में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था। संतू को तो तब भी इस बारे में कुछ नहीं पता था जब मेरी कादंबरी से सगाई हुई थी। आपको पता है, संतू को आज तक ये नहीं पता कि प्यार क्या, जज्बात क्या। एक दोहित्री, एक माँ, एक बेटी, एक बहन, इन सब रिश्तों के अलावा वो अगर किसी रिश्ते को जानती है तो वो है अपने मालिक के साथ का रिश्ता। ये जो तस्वीर है ये मेरा अतीत है, संतू का नहीं, और इसे दफनाने का रास्ता भी मुझे संतू नहीं दिखा। एक सच और भी है जो ना तो मैंने आपको बताया
और ना ही संतु ने। आप सब लोग जानते हैं कि मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन तैयार हुआ केवल संतु के प्रयास की वजह से। जो आदमी अपने ससुर और अपनी पत्नी के सामने खड़ा होकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच कबूल कर सकता है, वही आदमी आज किसी भी चीज की कसम खाकर कह रहा है। कादंबरी से रिश्ता जुड़ने के बाद मैंने केवल उसे ही चाहा, केवल उसी से रिश्ता रखा। मैं कादंबरी के साथ खुश हूं अंकल, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि जिसे मैंने अपना अच्छा दोस्त माना उसके लिए अब भी मैं अजनबी हूं। मुझे मलाल इस बात का नहीं है कि आप मुझसे ये सब बातें पूछ रहे हैं, आपको हक है सब कुछ जानने का, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि कादंबरी ने यह बात पूछकर एक पत्नी होने का अधिकार नहीं जताया। एक पति पत्नी का रिश्ता सात फेरे लेने से नहीं, विश्वास से बनता है। तुमने मुझ पर तो विश्वास नहीं किया, लेकिन संतु पर भी विश्वास नहीं किया। मैं ये शादी कभी नहीं करता, खासकर तब जब मुझे पता चला कि संतु की शादी धर्मपुर के मालिक से हुई है। मैं संतु को अपने मन की बात बताने गया था, लेकिन उसी दिन उसने मुझसे विनती की तुमसे शादी करने की। कादंबरी, मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था और मैं आया भी था, लेकिन तुमने मुझे यह कहकर रोक दिया कि तुम्हारे लिए हमारा वर्तमान और भविष्य मायने रखता है, तुम मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती, कुछ नहीं सुनना चाहती। जिस दिन संतु ने तुम्हारा कन्यादान किया उसी दिन फेरो की आग में मेरे अतीत के सारे पन्ने उसी वक्त भस्म हो गए। मैं कह रहा हूं तुमसे, संतु निर्दोष है। फिर उसने डिवोर्स पेपर्स पर क्यों साइन किए? संतु वो नहीं जो घर की लक्ष्मी बनकर पूजना पसंद करे, वो घर के दिए की बत्ती की तरह जलने वालों में से। मुझे इस डिवोर्स के बारे में पहले से पता था, लेकिन संतु ने मुझसे वचन लिया था कि मैं इस बारे में किसी से कुछ बात ना करूं, क्योंकि वो इस घर की, हितेन की, खेमे की, सबकी खुशियों को देखना चाहती थी। सच को देखने के लिए आंखों का होना जरूरी होता है, पर सच को समझने के लिए मन की कसौटी का। इस तस्वीर के बारे में और इसके पीछे छिपे सच के बारे में माँ भी सब कुछ जानती है। हाँ कादंबरी, भैया हो जरा, चलने चलने आओ। अच्छा दिख रहा मानी क्यों तने? मैं सोचता था कि मैं नसीब वाला हूं, पर मुझसे ज्यादा तो मेरी डिग्री नसीब वाली है कि तुझ जैसा पति मिला उसे। वो बोलते ना कि हमेशा आंखों देखी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तूने आज साबित कर दिया। गर्व है मुझे तुझ पर कि तू रिश्तों के सच को समझता है। मैंने उनकी गरिमा को कैसे बांधे रखना ये भी खबर है तुझे। पहले खुश था मैं कि मेरे दोस्त के बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी हुई, पर आज अभिमान है मुझे कि मैंने अपनी डिग्री तुझको सौंपी। अने सारू थयू कि तूने ये फोटो मेरे हाथ में दिया, नहीं तर कदाच मैं ये कागज पे सही कर दिया होता। अबे मेरे मन में तो कोई आशंका है नहीं, तेरे मन में कोई प्रश्न हुए तो पूछ ले, चल फटाफट। मैं विश्वास से बोलता हूं ये खरा उत्तर देगा, चल पूछ। क्या कहीं? मुझे माफ कर दो शशांक, चल
तुम्हारा साथ है। कहाँ? अरे चल ले, चलो। शू छे तेरा अंगूठ है तुझे मुझसे छुट्टा छेड़ा चाहिए सांभियो ने माधो काका तुम्हारी दोहित्री को मुझसे छुट्टा छेड़ा चाहिए क्योंकि इसको अपनी बहन का लगन मेरे छोकरे हितिन के साथ करवाना है धर्मपुर की मालिक है मैं उन्हें धर्मपुर का मालिक तो मैं विचारूंगा कि मेरा दिकरा किसके साथ लगन करेगा ने किसके साथ नहीं समझी ने तू मानी ये तुम्हारी बिरादरी में होता होगा कि अंगूठा लगा दिया कागड़िए पे ने हो गया काम हमारे में ऐसा नहीं होता समझी ये मोटी बहन जरा समझाओ ने आने समझाओ ने जरा हाँ क्या है ऐसे नहीं करते बेटा देख मैयावंशी खानदान के किसी भी बहू ने ऐसे सोचा भी नहीं और तूने ये कर दिया हाँ ऐसी नादानी नहीं करते बेटा तूने शू काम जो ये तूने घर में खाने को नहीं दिया पहनने को कपड़े नहीं दिए जैसे सब पहनते वैसे दागीने नहीं दिए रहने को कमरा दिया ना अबे तू खाटले पे नहीं सोती ना जमीन पे सोती इसमें मेरी भूल है तेरे हाथ की चाय अच्छी लगती मुझे इसमें मेरी भूल है चाय बनाने में परेशानी होती है वो तो बोल होती है तो पछी शू काम जोइए तुम्हें ये अंगूठा क्यों लगाया तुझे मुझसे छुट्टा छेड़ा चाहिए नहीं मालिक कभी नहीं तो डप्पोड़ पची अंगूठा क्यों लगाया भूल हो गई मुझसे मालिक तेरे यह भूल के कारण है ना दो पैसे की इज्जत नहीं रहती मेरी ले पकड़ ऐसा भूल किया ने तो मैं दे दूंगा तेरे को छुट्टा छेड़ा समझी અને તમને શું થઈ ગયું માધવ કાકા આજ તક મેરી સલાહ લીએ બિના એક હીરાની કિસ્સા અને આપકી દોહિત્રીને ઇતના બડા કામ કર દિયા કુછ બોલા નહીં આપને માલિક પતિ પત્ની કે બીચ કી બાત થી તો ચલો બે હમણા આવું હોય તો આવ મારા સાથે દેખ હિતેન ઓર ખેમી કા રિશ્તા જોડ સકતા હૈ अगर उनके बीच ये जो मासी और भांजे का रिश्ता है ना उसे तोड़ दे तो हाँ नानका के साथ तो बंधन तोड़ दे तलाक ले ले तो उससे अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप